ये है दिल्ली दर्पण। कोई काम हुआ क्या यहाँ? कोई काम हुआ क्या? दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में रोहिणी सी वार्ड से भाजपा के उम्मीदवार राकेश गोयल ने भी अपने चुनाव कार्यालय का विधिवत उद्घाटन कर प्रचार का शंखनाद कर दिया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर दिल्ली बीजेपी के कई बड़े नेता भी पहुंचे। सभी के निशाने पर आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक जय भगवान उपकार और निगम पार्षद उम्मीदवार रामचंद्र ही रहे। विजेंद्र गुप्ता ने रामचंद्र की काबिलियत और इलाके की बदहाली को लेकर आपको आड़े हाथों लिया। इस पार्टी ने उसको आपने 2017 में विधायक चुना था, अब 2017 में उसको विधायक चुना और 2020 में 3 साल बाद उसकी टिकट काट दी। क्यों? आपको मुझसे ज्यादा पता होगा, इन्होंने खुद ही कहा था ये तो निकम्मा है, इसने 3 साल कोई काम ही नहीं किया। एक राकेश गोयल है, चुनाव में सफलता नहीं मिली तब भी 3 साल तक लगातार, उसको तो कोई उम्मीद नहीं थी चुनाव होगा। 2020 में चुनाव हुआ विधानसभा का, किसी को क्या पता था जो आपका काउंसलर है ये सीट छोड़ देगा। अब आपने सोची काउंसलर था तो काम करेगा, कोई काम किया क्या? गौरतलब है कि मौजूदा विधायक बीएसपी के निगम पार्षद रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा का टिकट थमा दिया तो ये सीट खाली हो गई और अब इसी सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ से मौजूदा निगम उम्मीदवार भी बीएसपी से आए और फिर आम आदमी पार्टी से विधायक रहे। पिछली बार आपने रामचंद्र की टिकट काटकर जय भगवान उपकार को दे दी, बावजूद इसके रामचंद्र बागी नहीं हुए तो पार्टी ने इस उपचुनाव में निगम का टिकट थमा दिया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक जय भगवान उपकार और निगम प्रत्याशी रामचंद्र के बीच चल रही कलह को भी सामने रखा। लेकिन दोनों से सवाल करिए आप कि भाई दोनों हमारे नुमाइंदे रहे हो तुम और हो, एक तो है बीवी, कि आपने किया क्या? बुरा हाल है कॉलोनी का, चारों तरफ बुरा हाल है। जो बरसाती नालों के नाले हैं उनका बुरा हाल है। कोई अंदर जाओ कॉलोनी में कोई काम नहीं हुआ हुआ, कोई नई योजना यानी लाई जा रही, कोई नया काम यानी किया जा रहा। अभी यहाँ पे बोर्ड भी लगे हुए आम आदमी पार्टी के विधायक ये कैंडिडेट के, उसमें विधायक का फोटो ही नहीं है। अब जो विधायक यहाँ आपके क्षेत्र में है अगर वो उस कैंडिडेट को वोट ही नहीं रहा, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, तो आप सोच सकते हैं कि हालात क्या है। कार्यालय उद्घाटन के इस मौके पर दिल्ली बीजेपी प्रभारी सिद्धार्थन सहित कई नेता, निगम पार्षद भी बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी वक्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी का जिक्र नहीं किया। जाहिर है बीजेपी इस वार्ड में आम आदमी पार्टी से ही अपना मुख्य मुकाबला मान रही है। पिछले चुनाव में इस सीट पर राकेश गोयल ही चुनाव लड़े थे और काफी कम वोटों के अंतराल से हार गए थे, लिहाजा अब बीजेपी की कोशिश है कि इस सीट पर वो अपना जीत का परचम लहरा दे। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ शिवानी मोरवाल की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर